Hello guys welcome you to Kyra classes this is my third video of class 12 biology chapter 1 reproduction in organisms in the previous video we have already studied about asexual reproduction in plants now in today's video we will study um, sexual reproduction in living organisms so let's start it सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिपोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैम मीन्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाई डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स सेक्शुअल रिपोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है मेल और फीमेल गैमिड्स का फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है इसमें मेल और फीमेल गैमिड्स बनते हैं आइडर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स या तो सेम uh, इंडिविजुअल से ही मेल और फीमेल गैमिड्स बनेंगे या फिर अलग अलग इंडिविजुअल से मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे जो कि ऑपोजिट सेक्स के होंगे लाइक इफ से मेल और फीमेल

सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है एज इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिनस ऑफ स्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग्स दैमसेल्वस अब इसके अंदर क्या होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीन्स फ्यूज करते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल uh, कॉपीज़ नहीं होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते हैं ना वो अपने जैसे होते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं Even with different external morphology, anatomy, and physiology, the sexual mode of reproduction is similar in pattern in plants, animals, and fungi. Um, if I सिंपल uh, एक मॉर्फोलॉजी uh, की तो अलग मॉर्फोलॉजी uh, होती है इनमें प्लांट्स में एनिमल्स में फन में, में इनकी जो मॉर्फोलॉजी है जो उनका अपेयरेंस है बेसिकली जो फिजिकल अपेयरेंस है या इंटरनल अपेयरेंस है वो अलग होता है ठीक है तो अगर मैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर रही हूँ तो बाहर के अपियरेंस की बात कर रही हूँ तो जो प्लांट्स एनिमल्स फनजाए देखने में ऑब्वियसली अलग हैं डिफरेंट हैं उनकी एनाटोमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स उनके डिफरेंट हैं उनकी फिजियोलॉजी अलग है बट uh, एक चीज उनके अंदर कॉमन है दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उनका जो सेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का वो प्लांट्स में एनिमल्स में और फन जॉय में एक ही जैसा होता है उनका जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का पैटर्न है वो एक जैसा ही मिलता है द इवेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फंडामेंटली सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स जो इवेंट्स होते हैं बेसिकली जो स्टेप्स हैं अगर मैं बात करूँ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के या जो प्रोसेस हैं प्रोसेस हैं वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर क्या होते हैं सिमिलर होते हैं एक जैसे होते हैं हाउ एवर द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर क्वाइट डिफरेंट लेकिन जो स्ट्रक्चर्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड हैं हाँ वो कुछ अलग हो सकते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं इन ऑल केसेज द सेक्शुअल प्रोडक्शन इज करेक्टराइज बाई द फ्यूज ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीज ऑफ द स्पीशीज सारे केसेज में सेक्शुअल प्रोडक्शन किससे कैरेक्टराइज होता है तो किससे फॉलोड होता है बेसिकली तो फ्यूजन ऑफ द मेल और फीमेल गैमी ऑफ़ द स्पीशीज इस स्पीशीज के जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फॉर कन्वीनियंस दीज सिक्वेंशियल इवेंट्स में बी स्टडीड एज थ्री स्टेजेस नेमली द प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एक ईवेंट्स uh, जो है वो सिक्वेंस वाइज बांटे गए हैं मतलब अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले जो आएगा वो प्री फर्टिलाइजेशन है फिर फर्टिलाइजेशन है फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन है प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले फर्टिलाइजेशन मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद तो बेसिकली ये तीन इवेंट्स हैं सिक्वेंशियल इवेंट्स हैं क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से ये तीनों अरेंज हैं तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये तीन सिक्वेंशियल इवेंट्स हैं अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है तो फर्स्ट जो प्रोसेस होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में वो होता है गैमिटोजेनेसिस गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन सो इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स यहाँ पे गैमीट्स जो है वो फॉर्म होते हैं बनते हैं दो टाइप so के होते हैं बेसिकली मेल और फीमेल गैमिट्स जो कि मेल और फीमेल पेरेंट से आपको मिलते हैं गैमिट्स और हैप्लॉयड सेल्स गैमिट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड सेल्स होते हैं इनका मतलब क्या है इनका क्रोमोजोम नंबर क्या होता है एन सिम्पल एन ओके मेजोरिटी ऑफ सेक्शुअली रिपोर्डक्स रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेजम्स शो टू एंड एंडलॉजिकल डिस्टिंग टाइप्स ऑफ गैमीट्सैमीट्स और एनिसमीट्स ओके जो ज्यादातर सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मेजोरिटी uh, जो uh, ज्यादातर वो दो मॉर्फोलॉजिकल uh, और फिजोलॉजिकल अलग टाइप के होते हैं मतलब मॉर्फोलॉजिकल मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है और फिजियोलॉजिकल जो उनका फंक्शन है बेसिकली अगर मैं उनकी फिजियोलॉजी देखूं, तो वो दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं तो दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स जो हैं, ज्यादातर सेक्शुअली

है, उसे और स्पर्म कहा जाता है जबकि फीमेल गैमिट को एग या ओवम कहा जाता है तो बेसिकली गैमिटोजेस का मतलब क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट्स यह एक वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमिट्स का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन होता है गैमिट्स डेट आर सिमिलर इन अपेयरेंस आर कॉल्ड आइसोग और होमोगैमिट्स गैमिट्स जो कि दिखने में एक जैसे होंगे सिमिलर होंगे उनका अपेयरेंस एक जैसा होगा तो उन्हें कहते हैं आइसोगीट्स या फिर होमोगैमिट्स दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल सिमिलर ये मॉर्फोलॉजिकली और फिजोलॉजिकल एक जैसे होते हैं एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा यूलोथ्रिक्स ज मतलब है वो हैप्लॉइड होते हैं अगर पेरेंट है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगाइड गैमिट्स प्रोड्यूस करेगा माइटोटिक डिविजन सेवरल ऑर्गेनिज्मिंग टू मॉन्ड्रा फॉय एलग्राउंड तो ज डिप्लॉयड होते हैं जो इन किंगडम्स को बिलोंग करते हैं हियर म्योस टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूसलॉयड गैमिट्स तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है जो अगर ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड हैं तो यहाँ पर म्योसिस होता है जो कि हेपलॉयड गैमीट्स को फॉर्म करता है याप्लॉयड गैमिट्स प्रोड्यूस करता है मदर in तो सेल हाँ uh, के गीट को कहते हैं मीओसाइट ओके तो बेसिकली डिप्लॉय कंडीशन में होता है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म लेकर चल रहा होगा जब वो मिओसिस में जाता है तो उसका सिर्फ एक ही सेट क्रोमोजोम का एक गैमीट में इनकॉर्पोरेट होता है मतलब डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म 2n है लेकिन उसका कितना आएगा उसका एक सेट ही आ, हर गैमीट में इनकॉर्पोरेट होगा इसका मतलब वो हो जाएगा n ओके okay? तो n क्रोमोजोम गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन ईच गैमीट अब हम टाइप्स ऑफ गैमीट्स देख लेते हैं यहां पे अलग-अलग टाइप्स -अलग दे रखे हैं गैमीट्स के आइसोगामीट्स ऑफ क्लैडोफोरा एंड एल्गी ओके okay, यहाँ पे आपको एक जैसे दिख रहे होंगे ये दोनों गैमिट्स ओके मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली ये दोनों एक जैसे हैं सिमिलर हैं तो इन्हें कह रही हूं, मैं कैरियो ओके फ्यूकस एक एल्गा का दिख रहा होगा आपको ओके okay, ये है आपका हेट्रोगैमीट और थर्ड है ह्यूमन बींग्स का आप देख सकते हो ओवम और यहाँ पे क्या है स्पर्म मेल का मेल गैमिट स्पर्म दे रखा है ओके okay? uh, काफी लॉन्ग एंड स्लेंडर और जबकि सर्कुलर और जो ओवम और एग सेल है वो है फीमेल गैमेट डाइवर्सिटी ऑफ सेक्शुअलिटी ऑन ऑर्गेनिजम्स तो ये एक डायग्राम है किस तरह से सेक्शुअलिटी जो है ऑर्गेनिजम्स वो कितनी डाइवर्स होती है ओके okay? सो so, आप देख सकते हो यहाँ पे ओके okay? uh, यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्गेनिजम्स uh, दिखाए गए हैं ओके okay? कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉकरोच दिख रहे हैं यहाँ पे मेल ये रहा आपका मेल के अंदर मैंने टेस्टीज दिखा रखा है फीमेल दिखा रखा है तो फीमेल नीचे और फीमेल में क्या होती है ओवरी तो ये कॉकरोच के स्ट्रक्चर्स हैं ओके और नीचे फ्लार का दिखा रखा है स्टेमन जो मेल पार्ट है ओके okay? और जो कार्पल है ये फीमेल पार्ट है ओके okay? फ्लार का फिर फीमेल थालस देख रखे हो जिसे आप आर की गोनियो फोर कह सकते हो और मेल थालस है उसमें एनथेरिडियो फोर कह सकते हो ओके फिर और ऊपर जाओगे तो आपको देख सकता है उगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है और नीचे आपको दिख रहा है इसमें एंथ्रीडियम जो मेल सेक्स ऑर्गन है ओके तो यहाँ पे एक वर्म मैंने दिखा रखा है तो एक वर्म है ठीक है इसमें एक शो कर रखा है अब इसी में ना दोनों आपको मिल रहा है एक testis, with testis, तो मेल ऑर्गन भी है इसमें इस वर्म के अंदर ओके okay? और इसके अंदर ओवरी भी है तो ये मतलब बेसिकली इसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है मेल एंड फीमेल बोथ नाउ द सेकंड प्रोसेस इजेशन इवेंट का फर्स्ट था गैमिटोजेस गैमीट्स का फॉर्मेशन और दूसरा है गैमिट का ट्रांसफर आफ्टर दियर फॉर्मेशन द मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन कॉन्टेक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन अब जैसे ही वो बन जाते हैं मेल और फीमेल गैमिट जैसे ही बना तो उन्हें अब कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके सो मेल गैमिट इज जनरली मोटाइल एंड द फीमेल गैमिट इज यूजली स्टेशनरी मेल गैमिट ज्यादातर मोटाइल होते हैं मूव करते हैं और फीमेल गैमिट क्या होते हैं स्टेशनरी वो मूव नहीं करते हैं एक जगह ही रहते हैं तो गेमी ट्रांसफर रिक्वायर्स सुटेबल मीडियम तो गेमी ट्रांसफर कराने के लिए एक सुटेबल मीडियम चाहिए होता है इन एलगी ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइड वाटर इज द मीडियम फॉर गेमी ट्रांसफर इन एलगी ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइड्स में वाटर वो मीडियम है जो कि गेमी ट्रांसफर में हेल्प कराता है अ लार्ज नंबर ऑफ़ द मेल गैमिट्स फेल टू रीच द फीमेल गैमिट्स काफ़ी अगर मैं कहूँ काफ़ी ज्यादा नंबर की मेल गैमिट्स बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मेल गैमिट्स जो हैं वो फीमेल गैमिट्स तक नहीं पहुँच पाते हैं तो फेल हो जाते हैं देअ मेल गैमिट्स आर सिंथेसाइज्ड इन वेरी लार्ज नंबर एज कम्पेयर टू फीमेल गैमिट्स सो so, uh, इसकी वजह से क्या होता है जो मेल गैमिट्स हैं वो ज्यादा नंबर्स में सिंथेसाइज़ uh, होते हैं प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल गैमिट्स क्योंकि ज्यादातर मेल गैमिट्स जो हैं वो फीमेल गैमिड्स तक नहीं पहुंच पाते हैं इसलिए वो ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं इन एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स कैरी द मेल गैमी एंड ओव्यूल कंटेन्स द एक्सेल एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं वही फ्लॉरिंग प्लांट्स उनमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मेल गैमी कैरी करता है और जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या होता है एक्सेल

इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंट सच एज विंड एंड वाटर अब पॉलिनेशन को भी को होने के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत पड़ती है तो इंसेक्ट्स के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है एनिमल्स के थ्रू विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू पॉलन ग्रेन्स जॉर्मिनेट ऑन द स्टेगमा एंड द पोलन ट्यूब कैरी द मेल मेलिट्स रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज टू गैम नियर द एक्सेल अब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टेगमा पे जर्मिनेट होते हैं और जो पॉलन ट्यूब्स हैं वो क्या कैरी करती हैं मेल गैमिट्स को कैरी करती हैं और जो पॉलन ट्यूब है जो मेल गैमिट्स को कैरी कर रही है वो फाइनली क्या करती है ओव्यूल तक पहुंचती है ओके और वहां पे वो अपने दो गैमिट सेल्स को डिस्चार्ज करते हैं मतलब रिलीज करते हैं नियर द एक्सेल जो एक्सेल ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है वहां पे क्या होता है ये जो पोलन ट्यूब्स जो कि दो जो मेल गैमीट्स कैरी कर रही हैं बेसिकली तो वो क्या करती है वहां पे ओ, ओव्यूल पे पहुंचने पर वो अपने जो ये दो गैमीट्स हैं उनको डिस्चार्ज कर देती हैं एक्सेल के पास क्योंकि जो एक्सेल है वो किस है ओव्यूल के अंदर In bisexual animals, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer, since male and female gametes are formed in different individuals. Bisexual animals में जो organism है उसको काफी evolve uh, मतलब एक, एक special mechanism जो है वो होना चाहिए उसका जिससे वो gamete transfer कर सके, since male or female gametes are formed in different individuals. क्योंकि male or female gametes क्या हो रहे हैं वो अलग-अलग individuals में form हो रहे हैं. It is essential for fertilization. तो ये क्या है? ये important है. फर्टिलाइजेशन होने के लिए एक एक स्पेशल उन्हें इवॉल्व करना चाहिए जिससे क्या हो सके गैमी ट्रांसफर करने के लिए क्योंकि मेल और फीमेल गैमी जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में फॉर्म हो रहे हैं और जो कि एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कराने में इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन अब पहला हमने पढ़ लिया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें दो थे एक था गैमिटोजैनिस फर्स्ट और सेकंड था आपका गैमी ट्रांसफर अब आता है प्री फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इट्स कॉल्ड सिंगेमी सिंगामी किसे कहते हैं सिंपल मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है वो मिल रहे हैं उससे सिंगामी कह रहे हैं एज अ रिजल्ट डिप्लॉइड इज फॉर्म्ड तो जो गैमिट्स हैं वो हैप्लॉइड हैं एन है तो जब मेल गैमेट जो लेके चल रहा है और फीमेल गैमेट जो लेके चल रहा है, वो जब आपस में मिलेंगे तो एन प्लस एन विल गिव यू टू एन तो जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड होगा मतलब टू एन उसके अंदर सेट होगा क्रोमोजोम का दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है फर्टिलाइजेशन

इसकी वजह से एक तरह से उनके सर्वाइवल के लिए लिए या फिर उनकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है

इन दिस प्रोसेस द मोटाइल मेल गैम रीच एंड फ्यूज विद इस प्रोसेस में क्या होता है जो मेल गैम है वो मूव कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो वो मूव करके क्या करते हैं कहा पहुंचते हैं एग के पास पहुंचते हैं फाइनली उस एग को क्या करते हैं फ्यूज करते हैं मतलब उससे क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं दिस टेक्स प्लेस इन साइड द फीमेल बॉडी और ये प्रोसेस कहा होता है फीमेल बॉडी के अंदर होता है ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बींगस भी हैं इसमें ओके इन सीड प्लांट्स प्लांट्स द नॉन मोटाइल मेल आर टू फीमेल बाय जो सीड हैं बेसिकली उनमें क्या होता है जो नॉन मोटाइल मेल गैमिट्स मूव नहीं करते हैं वो नॉन मोटाइल हैं उन्हें कौन कैरी करता है उन्हें मतलब वो जो है वो किसके थ्रू कैरी होते हैं वो पोल ट्यूब्स के थ्रू या पोलन ट्यूब्स की मदद से कैरी होते हैं टू फीमेल गैमीट्स ओके सो सीड प्लांट्स में क्या होते हैं मेल गैमिट्स नॉन मोटाइल होते हैं मतलब मूव नहीं करते तो लेकिन उनको यू नो फर्टिलाइजेशन के लिए फ्यूज तो करना पड़ेगा फीमेल गैमिट्स uh, के पास तो आना पड़ेगा तो ये मेल गैमिट्स को कौन पहुंचाता है फीमेल गैमिट तक तो वो है पॉलन ट्यूब्स सो आज की वीडियो में इतना ही हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिया हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिया uh, अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगी हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो कोई भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़